हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ रुखसार अजहर फ्राम मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल नाउ द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज फ्राम द फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ओके सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट टूडे स्टडीज हमने इसमें थ्री चैप्टर जो है कम्प्लीट कर दिए थे अब हम इसमें जो है आज जो चैप्टर है इसमें फोर्थ चैप्टर है ऑपरेटिंग कम्प्यूटर ऑपरेटिंग कंप्यूटर वो अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर फ़ोर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर को किस तरीके से ऑन करना है एंड ऑफ़ करना है इस सिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे हम सीक्वेंस देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है कहाँ से स्टार्ट करना है कब उसमें वर्क होता है और कब स्टॉप करना है सो ऑन एंड ऑफ तो वही है ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम का मीनिंग है हम इसको ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम कहते हैं ओके कंप्यूटर्स को हम देखेंगे किस तरीके से हमें कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ता है सो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर एक मशीन है जो एक अलक्ट्रिसिटी से चलती है हमें पता है लेकिन एक मशीन जब एक मशीन है तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई काम करेंगे तो उसे ज़रूरी है कि वो सबसे पहले स्टार्ट हो उसके बाद ही हम अपना वर्क कर पाएंगे एंड जब ये मशीन है जब हम अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम इसे स्टॉप भी करना पड़ता है स्टॉप कर देंगे वर्क हमारा कम्प्लीट हो गया है सो so ये जो स्टेप्स है स्टार्ट करना फिर वर्क एंड स्टॉप फिर उसको उसके बाद हम किस तरीके से उसे स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसके बाद उसे कैसे क्लोज़ और ऑफ़ करेंगे ऑन एंड ऑफ़ करेंगे तो ये सब जो एक ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम है हर एक मशीन ओके okay? तो अब देर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को ये दी स्टेप्स आर एक्सप्लेन बिलो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजली तरीके से मैथड से हमें बताया गया है सो स्टूडेंट्स लिसन जब हम सबसे पहले स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, द मैन हेडलाइन ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर अब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं स्विचिंग ऑन कंप्यूटर इस कार स्टार्टिंग द कंप्यूटर जब हम अपना स्विच आप पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि एक बॉय स्विच ऑफ कर रहा है ओके स्टार्ट कंप्यूटर करना है तो सबसे पहले थ्रू इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज़ uh, करते हैं सप्लाई होती है तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो, on, जो है स्विच ऑन जो मेन पावर है ओके okay, ये स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर को टू स्विच ऑन द कंप्यूटर फॉलो दी स्टेप जब हम स्विच ऑन करेंगे कंप्यूटर को तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने जैसे कि स्विच स्टेप फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ये है कि हम स्विच ऑन करेंगे मेन पावर आप देख सकते हैं मेन पावर कहाँ से होता है ये जो स्विच है मेन पावर सप्लाई स्विच है जहाँ से एक ये वायर कनेक्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम से जो कनेक्ट होती है किससे यूपीएस से, से. डायरेक्ट यूपीएस से कनेक्ट होती है ओके यू पी एस से कनेक्टेड होती है यू पी एस जो है ये एक uh, इसका फुल फॉर्म है इंटरेप्ट पावर सप्लाई मतलब कि ये एक कंटिन्यूस सप्लाई देता है कंप्यूटर से एक ये कंप्यूटर का पार्ट एक सिस्टम है जो एक इंटरेप्ट पावर सप्लाई उसे देता है जो हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कनेक्ट रखते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो एक कंटिन्यूस सप्लाई देता है जिसमें कंप्यूटर में करंट करंट मतलब कि कंप्यूटर में उसको स्टार्ट uh, रखने के लिए उसमें कनेक्टिविटी कनेक्शंस को स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर से हमें समटाइम्स कनेक्ट uh, करके रखता है अगर हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी इवन दो ऐसा हो सकता है अगर बंद हो मतलब कि चली जाए ऑफ हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी uh, uh, नहीं होती तो हम जो है यू पी एस बी उसे कंटिन्यूस हमारा वर्क जो कंटिन्यू हो रहा होता है हम उस थ्रू इंटरेप्टेड पावर सप्लाई से उसे कंप्लीट कर सकते हैं ओके okay, तो सबसे स्टेप फर्स्ट जो था स्विच इन ऑन द मेन पावर सप्लाई उसके बाद है स्टेप टू आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है स्विच ऑन दू पी एस बटन अब आप देख सकते हैं यू पी एस इस शेप का होता है और ये जब आप कंप्यूटर्स आप देखेंगे प्रैक्टिकल में भी तो आपको भी इज़िली समझ आएगा और अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहे हैं कि जो एक यू पी एस बटन है हम इसको ऑन करेंगे उसके बाद स्टेप थर्ड जो है स्विच ऑन द सीपीयू बटन आप देख सकते हैं उसके बाद सीपीयू बटन स्टेप थर्ड जो है सीपीयू बटन हम क्या करेंगे ऑन करेंगे आप देखिए यहाँ पे स्विच ऑन किया हुआ है सीपीयू बटन आप देख सकते हैं इसमें ये स्टेप थ्री है हमें स्विच ऑन यूपीएस बटन के साथ सीपीयू बटन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको वो हम इसमें क्या करेंगे ऑन करेंगे उसके बाद है स्टेप फोर स्विच ऑन द बटन ऑफ एयर मोनिटर इसका स्टेप फोर जो है वो है स्विच ऑन द बटन ऑफ योर मोनीटर उसके बाद जब हमारा मोनीटर है हमारी स्क्रीन है वहाँ पर एक बटन है हम अपने मोनीटर को जो है उसका स्विच ऑन करेंगे मोनीटर उसके बाद नाउ स्क्रीन विद मैनी स्मॉल पिक्चर अपीयर द स्क्रीन इज डेस्क डेस्कटॉप जब हमारे स्क्रीन पे स्मॉल पिक्चर्स आएंगी जो उसमें प्रेजेंट होगी हमारे मोनीटर में जब स्क्रीन पे हमें दिख रहा होगा जो भी स्मॉल पिक्चर्स से अपेयर्स लिटिल लिटिल लाइटनिंग उस स्क्रीन वह हम डेस्कटॉप कहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है जब हमने फोर स्टेप्स फॉलो किए तो डेस्कटॉप पे आइकन स्टार्ट बटन टास्क बार डेस्कटॉप ये लिटिल लिटिल पिक्चर्स एंड जो है हमें शो हो जाएंगी ओके okay? स्विचिंग ऑन द इज कॉल बूटिंग हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसे हम बूटिंग भी बोलते हैं ओके okay? हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे थैंक यू